સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના આફવા ગામ ખાતે આઈએમ હ્યુમન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સૌંદર્યમય અને પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં બોલ ગવાયેલા કે બિનવારસી પશુઓ માટે જીવદયા આશ્રમ બનાવવામાં આવ્યું છે। ખેતરની વચ્ચે કુદરતી વાતાવરણમાં બનાવવામાં આવેલા જીવદયા આશ્રમમાં ગાય, ઘોડાઓ, બિલાડી, કૂતરા, પક્ષીઓ જેવા અબૂલ જીવોને સ્વીકારવામાં આવે છે। જ્યારે આશ્રમમાં બાળકોને રમવા માટે બગીચો પણ બનાવવામાં આવ્યો હોવાને કારણે સહેલાણીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં આવતા હોય છે। અબૂલ જીવોની સાથે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે પણ આર્થિક સહાય પૂરી પાડતા આશ્રમમાં અનેક લોકો દાન આપી જતા હોય છે। મેરું નામ જયદીપ કુમાર જાદવ છે। બરાબર, આપ યહાં પે કિતને સાલો સે સેવા કર રહે હો? હું મે 4 સાલ સે સેવા કર રહા હું। બરાબર, તો 4 સાલ સે આપ યે સભી જાનવર હે ઉનકી સભી કી દેખભાલ આપ કર રહે હો? હા, મે કરતા હું। 2-3 4 એક આદમી હે, हम सब मिलके एक साथ में, जैसे डॉग की करता हो वो लोग, आधे लोग गाय की करते हैं। बराबर, मतलब उनका टॉयलेट बाथरूम सभी आप साफ करते हो? सभी साफ करता हूँ। और यहाँ पे सभी सभी तरह के जानवर को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है? सभी जगह के, मतलब कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, पक्षी हो, कोई भी हो, कोई भी स्नैक हो, कोई भी हो, कोई भी जानवर। हाँ। और आपकी, आप उसकी फ्री में सेवा करते हो? कोई सेवा करते हो? चार्ज लेते हो उसका कोई? अबे सामने वाले देते हैं तो लेते हैं, नहीं तो ऐसा सब हम खुद करते हैं। मतलब जो ऐसे ये तो है डॉक्टर हमारे। हाँ। के विजिट के लिए हफ्ते में 3 बार आते हैं। बराबर, और अगर यहाँ पे कोई अडॉप्ट करने के लिए आया है, जानवर अडॉप्ट करने के लिए आए, तो आप उससे पैसे लेते हो या फिर बिना फ्री में देते? कोई चार्ज नहीं लेते। उसकी मर्जी हो तो खाना, कुछ डोनेशन लिखा हो, लिखना हो तो लिख सकता है सर। खाने के लिए कुछ, डॉग के लिए, गाय के लिए कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो गौशाला है, जो गौशाला है, घोड़े है, वो सब है, उन्हें सभी की देखभाल आप ही करते हो? हम 4-5 है, सब मिलके करते हैं। कहने का मतलब तो मैं ज़्यादा डॉग का करता हूँ। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट है। हाँ। जैसे गाय का डिपार्टमेंट है, जैसे डॉग का डिपार्टमेंट है, जैसे घोड़े का डिपार्टमेंट, ऐसा। बराबर, और 3-4 आदमी हम लोग, सबको डिपार्टमेंट सौंपा है ऐसा। ये जो गाय है वो सब गिर गाय है? सब गिर गाय। और वो गिर गाय है तो वो दूध तो देती है या फिर बिना दूध की है? आधी बिना दूध की सेवा में भी आई है, आधी बिना दूध की भी है। अच्छा, बराबर, तो जो दूध देती है तो उन दूध का क्या होता है? वो सब मेरे को डिटेल तो ऐसा इतना लंबा डिटेल मेरे को पता नहीं है, कितना दूध देती है, कितने भी देती है, टोटल पता नहीं। मतलब वो जो दूध आती है, दूध तो उसकी इनकम आती है, उसके जो पैसे आती है, जैसे 2600 हमारे स्टूडेंट हैं। हाँ। हम ये सब गाय वैसे, दूध का गाय वैसे हम उन लोग को पढ़ाते हैं। 26 स्टूडेंट को।